दरभंगा के अशोक पेपर मिल के पास एक शख्स ऐसे मिले जो बिन पाँव के थे, दिव्यांग हैं, जिनका दूसरा पाँव का सहारा नहीं है। उस पाँव से वो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आत्मबल से साइकिल चलाकर घर से निकलकर अपने रोज़मर्रा का काम करते हैं। हम ऐसे उन जो लोग हैं, जो शख्स हैं, उनसे हम बात करेंगे और आपको सुनाएंगे कि कैसे ये इनके अंदर ये आत्मबल आया, कैसे वो ये काम पूरा कर पाते हैं, देख सकते हैं, देखिए। और सबसे बड़ी बात ये उन लोगों के लिए जो खुद के लिए समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा उदाहरण। बिन पाँव के हैं, फिर भी अपना जीवन जी रहे हैं। एक साइकिल पर दो दो लोगों को बिठाकर उन्होंने कहा कि हम दो दो लोगों को बिठा सकते हैं और सवारी कर सकते हैं। ऐसे में खासकर बता दें कि दिव्यांगों के लिए जो सरकार की योजना है, या वो हाथ रिक्शा हो या फिर वो स्कूटी का योजना है, वो अगर मिलता है तो दिव्यांगों के जीवन में एक अलग बदलाव आता है। तो सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, इनको भी वो हाथ रिक्शा हो या स्कूटी हो दे दिया जाए। अब सुनते हैं इन्हीं से ये क्या कहना चाहते हैं। शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। साइकिल हम इधर चलाने लगे हैं जब से मतलब अपना बल्ब उदा पर खड़ा हो गए तो चलाने लगे। जोर से बोलिए। हाँ, अपना बल्ब उदा पर खड़ा हो गए, पाँव में ताकत आया तो चलाने लगे। अच्छा, साहस आया। सर, साहस आया तो चलाने लगे, क्योंकि बिना बिन पाँव के आप साइकिल चला रहे हैं तो हिम्मत का बड़ा एक बात होती है। तो क्या हिम्मत कहाँ से आया, मतलब कैसे लगा कि ये साइकिल चलाना चाहिए? या सब परमात्मा का कृपा है, सब भगवान का कृपा है, सब आप लोग का प्यार का कृपा है। हम तो ऐसा नहीं सोचे कि हम साइकिल चला पाएंगे, जी जी चला लेंगे, जी जी, लेकिन कृपा ऐसा हुआ आप लोग का, जी जी जी, तो हनुमान जी का कृपा ऐसा, माता पिता का हुआ, तो चला रहे आप लोग का आशीर्वाद से। इस पाँव में क्या हुआ है, मतलब इस पाँव में क्या है, पाँव मुड़ा हुआ है क्या है? पूरा ये सुन है, पूरा सुकड़ू हुआ है, सुकड़ा हुआ है, ये काम नहीं करता है। काम नहीं करता जी, काम नहीं करता। तो फिर इस पाँव से कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लकीन वगैरह ये सब जाते हैं तो इसे सहारा मिलता है। अच्छा जी, कि बैठ करके हम ये कर सकते हैं। और साइकिल बहुत स्पीड में अभी चला रहे थे, हमने देखा है, तो क्या डर लगता है कि नहीं गिर जाएंगे? या सब आप लोग का कृपा है सर, रहे कृपा की बात नहीं, मतलब डर लगता है या नहीं कि हाँ गिर जाएंगे या चोट लग जाएगा या कुछ? डर तो नहीं लगता है। डर लगता है कि नहीं लगता है, वो सही सही बताइए हमको। डर तो नहीं लगता है जी, और हम चाहते हैं जितना अच्छा रोड रहे उतना अच्छा चलाएंगे। अच्छा जी, तो हमें ये तो ढलाई वाला रोड है, फिटिंग रहेगा तो उतना अच्छा से चलाएंगे चलेंगे। तो बजरंगबली के पुजारी को डर लगता है? नहीं लगता है, नहीं लगता, नहीं लगता कोई चीज़। कितना किलोमीटर आप साइकिल चला सकते हैं? हम साइकिल चला लेंगे सर जी, आपको कहने के ऊपर कि साइकिल हम चला लेंगे लगभग 20 किलोमीटर, मतलब जितना सही लोग चला सकते हैं, जिनका पांव सही है जी, उतना ही आप भी चला लेंगे? जी चला लेंगे। तो सवारी मतलब जो पीछे जो जगह है बैठने का जी, उस जगह पर किसी को बिठा कर मतलब चलाए हैं क्या कभी कि नहीं? जी उन्हें भी बैठा लेंगे, पीछे अच्छा, भी बैठा लेंगे, चल जाएगा जी, हम चला लेते, ट्रिपल रोड चला लेते हैं। ट्रिपल रोड चला लेते हैं जी, बिल्कुल चला लेते हैं। दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं। डरने का या फिर पांव, जब पांव रखने का जब आएगा तो क्या करेंगे? तो हम उन बैठने वाले को, दोनों व्यक्ति को समझा देते हैं कि जब हम रोकेंगे तो अपने आप को पैर अच्छा संभाल के रखें। अच्छा, तुम अपना पांव संभाल जी, तो उन दोनों को कहते हैं कि हमारा ऊपर भार छोड़। अच्छा, साइकिल जब से चलाना तब से आप क्या क्या काम कर लेते हैं, अपना कहाँ कहाँ चले जाते हैं साइकिल से? साइकिल से तो ऐसे अप डाउन कर लेते हैं, मजदूरी कहीं मिला तो कर लेते हैं जी, कहीं हुआ तो अपना बाजार उजार गलत नाल तबला चलाने का पड़ा तो चल गए। अच्छा जी, तो यही सब करते हैं और काम करते क्या हैं अभी? करते कुछ नहीं, अभी बेरोजगार हैं हम। ये जो पंडित का जो भेष धारण आपने किया है, मतलब क्या करते हैं, पूजा करते हैं या कहीं पर पंडित हैं क्या हैं? हाँ, उन्हें पूजा करते हैं। पूजा करते हैं कहाँ पर, कौन से मंदिर? अपना घर ही पर, घर पर ही जी। तो अच्छा, दो कुटिया है तो हो गया, तो झाड़ू बहारू कर देते हैं। अच्छा, उसमें शाम का शाम हम लोग को संध्या सुमरन आरती भजन होता है जी। आपके अंदर इतना आत्मबल है, जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, खासकर क्या उनको कितना मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, आपके जैसा होना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? स्ट्रांग क्या रहेंगे उनको, उनको जैसे विकलांग को हिम्मत होना चाहिए, और हम लोग जी रहे हैं हिम्मत के ऊपर जी रहे हैं जी। कुछ साइकिल वाइकिल मिला है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं दिया। कभी भरे हैं फॉर्म की? नहीं, फॉर्म भर के गया है, तीन तीन बार दिए हैं सर्टिफिकेट, ये सब। कोई नहीं, कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? कुमोद। घर कहाँ है? ग्राम। ग्राम प्रखंड कौन सा है ये? प्रखंड हो गया आपका हाया घाट।